प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहरी के बुक से अध्याय वृत्त चैप्टर का उदाहरण नंबर 17 देखेंगे। इससे पहले के उदाहरण बाकी के वीडियो में बता चुके हैं, अगर आप लोगों को देखना है तो देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु पी पर अंतः स्पर्श करते हैं। बिंदु P से दो छेदक रेखाएं PAB और PCD, PAB, PAB और PCD दो छेदक रेखाएं खींची जाती है, जो वृत्तों को क्रमशः बिंदु A, B, C, D पर काटती है। वृत्तों को A, B, C, D पर काटती है। सिद्ध कीजिए कि AC समांतर है BD के। सिद्ध कीजिए कि AC जो है समांतर है BD के। ठीक है, तो AC समांतर BD के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को देखिए इसमें क्या किया है। स्पर्श बिंदु P पर वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा TPT खींची, TPT खींचा गया है, एगो स्पर्श रेखा। ठीक है, छोटे वृत्त के लिए TPT स्पर्श रेखा है, छोटे वृत्त के लिए TPT स्पर्श रेखा है, और PA इसकी एक जीवा है। PA, PA इसकी एक जीवा है इस छोटे वृत्त के लिए। ठीक है, जीवा है। तो कोण TPA एकांतर वृत्तखंड में बना कोण PCA बराबर होंगे, यानी कि TPA, TPA ये वाला कोण, ये वाला कोण एकांतर खंड में PCA के बराबर होगा, PCA के बराबर होगा, यानी कि ये वाला कोण, ये वाला कोण बराबर होगा इस कोण के। ठीक है, इसके बाद से समीकरण एक हो गया, ये TPA बराबर है कोण PCA के, तो ये समीकरण एक हो गया। अब बड़े वृत्त के लिए, तो बड़े वृत्त के लिए भी क्या होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, नहीं यानी कि यहाँ पे देखिए TPT, TPT स्पर्श रेखा है और BP इसकी, PB इसकी एक जीवा है, PB इसकी एक जीवा है। तो TPB, TPB, TPB एकांतर वृत्तखंड में बना PDB के बराबर है, PDB के बराबर है, PDB के बराबर है। ठीक है, तो वही बात हुआ, ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है। क्यों? एकांतर वृत्तखंड में बना कोण बराबर होता है, एकांतर वृत्तखंड में बना कोण बराबर होता है। इसको समीकरण नंबर हम लोग दो कह सकते हैं। ठीक है, ये कोण जो है इस कोण के बराबर है, यानी कि ये दोनों कोण इस कोण के बराबर हो गए। ठीक है, अगर ये दोनों कोण जो है बराबर हैं तो ये सिद्ध हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए टी कोण, देखिए टी पी बी बराबर है पी डी बी के और टी बी बी बराबर है टी पी ए के। ठीक है, तो समीकरण एक और दो से हम लोग कह सकते हैं कि पी सी ए और पी डी बी बराबर होंगे, पी सी ए और पी डी बी बराबर होंगे। आ चूँकि ये अगर बराबर हैं तो ए सी जो है बी डी के समांतर होगा, यही हम लोग को सिद्ध करना था। देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो समांतर रेखा की दो एंगल हमेशा बराबर होते हैं, माने एकांतर खंड में एक संगत एंगल है, संगत एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये तिर्यक रेखा काटती है, दो समांतर रेखाओं का अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत अंतः कोण जो है क्या होंगे, बराबर होंगे। तो संगत अंतः कोण अगर बराबर होंगे तो ये रेखा समांतर होगी। ठीक है, तो इसीलिए जो है ए सी समांतर हो गया है बी डी के। ठीक है, तो ए सी समांतर हो गया बी डी के। इसके बाद से हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दो वृत्तों के केंद्र ओ है, दो वृत्तों का केंद्र जो है ओ,
और ओ डैश है, जो एक दूसरे को वायता बिंदु पी पर स्पर्श करते हैं। इन वृत्तों की एक घनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा ए बी खींची जाती है। ए बी स्पर्श रेखा खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि कोण ए पी बी 90 डिग्री है। कोण ए पी बी 90 डिग्री है, यानी कि ये वाला एंगल, ये बड़का एंगल जो है 90 डिग्री के है। अच्छा, तो ये स्पर्श रेखाएं हैं, ए और बी स्पर्श रेखा है। ठीक है, देखिए क्या किया है। दो वृत्तों की स्पर्श रेखा पी पर घनिष्ठ स्पर्श रेखा पी सी खींची गई है। खींची पी सी जो है, पी सी भी एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये भी स्पर्श रेखा है। ए बी को बिंदु सी पर काटती है। ए बी को बिंदु सी पर काटती है। ठीक है, सी पर काटती है। सी ए और सी पी वाई बिंदु सी से केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, और स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। इसलिए सी ए बराबर हो जाएगा, सी ए बराबर हो जाएगा सी पी के, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो सी ए बराबर हो जाएगा सी पी के, सी पी के यानी कि ये जो है बराबर होगा इसके। ठीक है, और ये बराबर हो सकता है इसके, यानी कि सी पी बराबर हो जाता है बी पी के। तो ये बराबर है तो दोनों भुजा बराबर हो गए, और दो भुजा बराबर हैं तो इसके आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये जो है आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अच्छा देखिए, आपका कह रहा है ए सी पी समद्विबाहु त्रिभुज है। ए सी पी जो है ये सिद्ध किया है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और पी ए सी बराबर है, मान लेते हैं अल्फा के बराबर है। पी ए सी, पी ए सी ये वाला एंगल, और फिर ए पी सी, ए पी सी यानी कि ये वाला एंगल, मान लेते हैं कि अल्फा है। ये भुजा, ये भुजा बराबर हो गया तो इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे, और ये भुजा बराबर हो गया तो सामने के कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, अब चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो कोण अल्फा धन कोण अल्फा धन बीटा इस त्रिभुज में ए पी बी में लिया जाए, त्रिभुज ए पी बी में देखा जाए तो ये वाला एंगल आधन, ये दोनों एंगल आधन, ये बीटा एंगल बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो टू अल्फा आधन टू बीटा बराबर 180, तो टू अल्फा धन बीटा बराबर 180, तो अल्फा धन बीटा बराबर 90 डिग्री। ऑटोमेटिक सिद्ध हो गया कि ये दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री हैं। इति सिद्धम। ठीक है, यही सिद्ध करना था। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग, एक मिनट। उदाहरण नंबर 19 देखते हैं। दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु P पर अंत स्पर्श करते हैं। बड़े वृत्त की कोई जीवा AB खींची जाती है, जो छोटे वृत्त को बिंदु C पर स्पर्श करती है। सिद्ध कीजिए कि रेखाखंड CP कोण APB का अर्ध अर्धक है। रेखाखंड CP, रेखाखंड यह CP है, APB का अर्धक है, A पी बी का अर्धक है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल हम लोगों को बराबर करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो वाई जो है कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा एकांतर खंड से। ठीक है, और फिर यक्स एंगल इस एंगल के बराबर दिखा रहा है। चलिए देखते हैं। ज्ञात है दो वृत्त जो एक दूसरे को बिंदु P पर अंतः स्पर्श करते हैं। बड़े वृत्त की कोई जीवा ए बी छोटे वृत्त की को बिंदु C पर स्पर्श करती है। C पर स्पर्श करती है, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को जो है C पर स्पर्श करती है। ठीक है,
स्पर्श करती है। सिद्ध करना है कि रेखाखंड सी पी कोण ए पी बी का अर्धक है, अर्थात कोण ए पी सी यानी कि कोण ए पी सी यानी कि ये वाला एंगल बराबर होगा बी पी सी के यानी कि बी पी सी के। ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ए पी सी बराबर है दिखाना है। रचना में हमने सी पी और सी डी को मिलाया, सी पी सी पी सी पी और इस सी डी को मिलाया है, हमने सी पी और इस सी डी को मिला दिया है। ठीक है, उपपत्ति छोटे वृत्त में हम लोग देखें तो बिंदु पी पर पी टी स्पर्श रेखा है, बिंदु पी पर पी टी स्पर्श रेखा है। ठीक है, और पी डी उसकी एक जीवा है, पी डी उसकी एक जीवा है, पी और डी पी डी एक जीवा है, तो पी डी एक जीवा है। तो एकांतर खंड के वृत्त कोण जो है क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि एकांतर खंड का ये वाला एंगल जो है, देखिए एकांतर खंड के वृत्त कोण बराबर होंगे, यानी कि टी पी डी यानी कि ए वाला एंगल बराबर होगा पी सी डी के यानी कि इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, इस एंगल के बराबर होगा पी सी डी यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, एकांतर वृत्तखंड के कोण पी सी डी यही ना होगा, पी सी डी ये वाला एंगल बराबर होगा यानी कि ये भी वाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बड़े वृत्त में देखा जाए तो बिंदु पी पर पी टी स्पर्श रेखा है, पी पर पी टी स्पर्श रेखा है, पी टी। ठीक है, और पी ए उसकी एक जीवा है, पी ए उसकी एक जीवा है, तो यही एंगल जो है किस एंगल के बराबर होगा, इसी एंगल के टी पी ए बराबर होगा ए बी पी के, ए बी पी के यानी कि इस जो है एंगल के बराबर होगा। ठीक है, इस एंगल के बराबर ये हो जाएगा एकांतर वृत्तखंड के कोण। ठीक है, अच्छा अब इससे जो है क्या पता चलता है कि पी सी डी बराबर होगा सी बी पी के, पी सी डी बराबर होगा मैंने टी पी डी यहाँ पे टी पी डी बराबर है पी सी डी के, और टी पी ए बराबर है ए बी पी के, और टी पी डी बराबर है सी बी पी के, अतः जो है पी सी डी बराबर हो जाएगा सी बी पी के। ठीक है, सी बी पी के, अरे यहाँ पे देखिए ना टी पी डी बराबर है किसके, पी सी डी के, फिर यहाँ पे टी पी डी बराबर हो रहा है सी बी पी के, सी बी पी के। तो अब अगर दो चीज़ आपस में इसके यह चीज़ इसके बराबर है, यही चीज़ जो है इसके बराबर रहती है, और ये जो है आपस में बराबर हो जाएंगे, तो इसीलिए पी सी डी बराबर हो गया सी बी पी के। पुनः छोटे वृत्त में देखा जाए तो बी सी पी बराबर हो जाएगा सी डी पी के, क्योंकि एकांतर वृत्तखंड के कोण है। तो अब त्रिभुज बी पी बी सी और त्रिभुज पी डी सी में देखा जाए तो कोण पी सी डी बराबर होगा सी बी पी के। ठीक है, पी सी डी बराबर हो गया सी बी पी के, और कोण बी सी पी, कोण बी सी पी, बी सी पी, कोण बी सी पी बराबर हो गया यानी कि ये वाला एंगल बराबर हो गया इस वाले एंगल के। ठीक है, तो शेष जो है कोण बी पी सी बराबर होगा डी पी सी के, यही हम लोगों को सिद्ध करना था। और डी पी सी बराबर हो गया तो कोण बी पी सी बराबर हो जाएगा कोण ए पी सी के, यही हम लोगों को सिद्ध करना था कि कोण ए पी सी भी जो है क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, और ये चीज़ बराबर है, तो ठीक है, तो इति सिद्धम। फिर आगे बढ़ते हैं, 19वां देखते हैं एग्जाम से, 20वां एग्जाम्पल देखिए, 20वां क्या कह रहा है। एक वृत्त पर एक्स ए वाई और बी बी क्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं, इन स्पर्श रेखाओं के बीच आर्यस एक वृत्त की तीसरी रेखा का अंतःखंड है, सिद्ध कीजिए कि अंतःखंड आर्यस वृत्त के केंद्र ओ पर समकोण बनाता है।
ये जो है आयसम कोण बनेगा 90 डिग्री का, ये सिद्ध करना है हम लोगों को, ठीक है, कि आर ओ एस 90 डिग्री है। बिंदु आर से आर ए तथा आर सी बराबर स्पर्श रेखा है, आर ए तथा आर सी, आर ए तथा आर सी स्पर्श रेखाएँ हैं, ठीक है, ठीक है, स्पर्श रेखाएँ हैं। अतः ए आर ओ, ए आर ओ, ए आर ओ एंगल, ये वाला एंगल सी आर ओ कोण, सी आर ओ, सी आर ओ यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 1/2 होगा ए आर सी के, 1/2 बराबर होंगे ए आर सी के, ए आर सी के यानी कि इस एंगल के, बात बराबर है, ये चीज़ बराबर है, तो ये टोटल का ये को इसका हिस्सा आधा आधा के भी बराबर होगा, ठीक है। टोटल मैंने ए आर सी का हाफ भी जो है क्या होगा, इसके या इसके बराबर होगा, ठीक है। इसी प्रकार पुनः इसको देखा जाए, बी एस ओ को, बी एस ओ ये वाला एंगल, और फिर ओ एस सी को देखा जाए या सी एस ओ को देखा जाए तो ये वाला एंगल हाफ किसके बराबर होंगे, बी एस सी के, बी एस सी के बराबर होंगे, ठीक है। अब चूंकि ए आर सी, ए आर सी, ए आर सी ये वाला एंगल और प्लस में बी एस सी ये वाला एंगल, टोटल ये वाला एंगल बी एस सी, ये दोनों का योग कितना होगा, इन दोनों का योग 90 डिग्री होगा, ठीक है, इन दोनों का योग कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि y बिंदु से स्पर्श रेखाएं हैं और y बिंदु के स्पर्श रेखाएं दोनों का योग जो है कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है, 90-90 के होंगे, क्योंकि वृत्त के केंद्र हैं, तो y बिंदु से 90 डिग्री पर होंगे। अब देखिए तो इनका आधा भी जो है 90, इनका आधा भी 180 डिग्री के बराबर होगा, नहीं, अब इनका आधा कर दिया जाए, इसका आधा कर दिया जाए या इसका आधा कर दिया जाए, तो ये भी आधा हो जाएगा, तो 90 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है। अब चूँकि 1/2 ए आर सी का मान सी आर ओ होगा, ठीक है, और 1/2 बी एस सी का मान, बी एस सी का मान 1/2 बी एस सी का मान किसके बराबर है, तो सी एस ओ के बराबर है, तो इन दोनों का योग बराबर क्या हो जाएगा, आर ओ एस के बराबर हो जाएगा, आर ओ एस के बराबर हो जाएगा, तो अतः जो है आर ओ एस बराबर 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की वाय बिंदु से खींची गई स्पर्शीय केंद्र को वाय बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बराबर कोण बनाती है, चित्र में दिया गया है, तो ए पी ओ ज्ञात करना है, ए पी ओ ज्ञात करना है यानी कि ये वाला एंगल ज्ञात करना है, ये है 100, तो हो जाएगा कितना, ये 100 है तो हो जाएगा 50, क्योंकि इसका अर्धक करेगा, तो हो गया 50, आइए हो गया 90, तो 50 है 90 कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 140, तो 180 में से 140 घटा देंगे हो जाएगा ऑटोमेटिक 40 डिग्री, ठीक है, तो सब मिला के यहाँ पे देखे लिया है 40 डिग्री, ठीक है। आप डायरेक्टली क्या कर दीजिएगा, चूँकि लिखिएगा कि ये जो है मध्यार्धक होगा, ओ पी जो है ओ पी रेखा ए ओ बी को जो है क्या करेगा, अर्धक करेगा, तो ये हो जाएगा 50, आइए होता है 90 डिग्री, दिखा दीजिएगा, यही किया होगा, ठीक है, यही किया है सब मिला के, तो 40 आएगा इसका। इसके बाद से हम लोग 22वां देखते हैं, दिए गए चित्र में वाय स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की घनिष्ठ स्पर्श रेखा इतना इतना है, सिद्ध कीजिए कि डी सी बराबर है ई एफ के, डी सी बराबर है ई एफ के। तो देखिए ना, यहाँ से ये चीज़, ये चीज़ इस चीज़ के बराबर होगा, ठीक है, फिर ये चीज़ जो है इस चीज़ के बराबर होगा,
फिर इनका जो है, अब देखिए जो कि पी सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं पी डी धन डी सी, ठीक है, और ये जो है हम लोग लिख सकते हैं इतना धन इतना, ठीक है। और जब ये चीज़ें बराबर हैं, ये चीज़ें जो हैं पी डी बराबर है, पी डी देखिए पी डी बराबर है पी के, पी डी बराबर है पी के, अच्छा, और डी सी वही रहेगा, और यहाँ पर भी पी ई बराबर हो जाएगा ई एफ के, अरे ये चीज़ इस चीज़ के बराबर है तो इसका योग भी बराबर होगा, ये चीज़ इस चीज़ के बराबर है तो इसका योग भी बराबर होगा, तो पी डी बराबर है पी ई के, अब पी सी बराबर है पी एफ के, पी सी बराबर है पी एफ के, हम भी तो यही कहें स्पर्श रेखा है तो बराबर होंगे, अब इनका योग पी डी धन डी सी बराबर हो जाएगा पी धन ई एफ के। आ जब ये देखिए पी डी बराबर है पी के, पी डी और पी ख़त्म हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक डी सी बराबर हो जाएगा ई एफ के, बस चूँकि पी डी और पी बराबर है तो पी डी की जगह पे हम लोग फिर पी लिख सकते हैं, आई जब पी हिले है पक्षांतर में बराबर हो जाएगा तो डी सी और ई एफ बच जाएगा, ठीक है, सिद्ध हो गया वो। अब यहाँ पे देखिए 23वां, दिए गए चित्र में त्रिभुज ए बी सी के अंतर्गत एक वृत्त खींचा गया है तथा पी क्यू आर स्पर्श बिंदु हैं, यदि पी ए 4 सेंटीमीटर, पी बी 6 सेंटीमीटर और ए सी 12 सेंटीमीटर है तो बी सी की माप ज्ञात कीजिए, तो बी सी की माप हम लोग को ज्ञात करना है। ये देखिए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है पी ए 4 सेंटीमीटर, पी ए किधर है, पी ए 4 सेंटीमीटर दिया गया है, पी बी 6 सेंटीमीटर दिया गया है, पी और ये बी 6 सेंटीमीटर दिया गया है, और ए सी जो है 12 सेंटीमीटर दिया गया है, ए सी की लंबाई 12 सेंटीमीटर दी गई है, तो बी सी की माप हम लोग को ज्ञात करना है, बी सी की माप ज्ञात करना है, ठीक है, तो 6 4 2 से वही हो रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है भुजा इस भुजा के बराबर होगा, हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा है, तो अच्छा ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर होगा, अच्छा तो देख लीजिए अगर ये 6 है तो ये भी 6 हो गया, ठीक है, अच्छा ये देखिए अब चूंकि ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, तब तो ना 12 होगा, तो ये 8 हो गया तो 8 6 14 ही हो जाएगा, ठीक है, आराम से हो गया, यही काम किया है इसने, ठीक है, यही काम इसने किया है, तो ये भी सिद्ध हो गया कि बी सी जो है 14 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग चूँकि ये पी और ये क्यू स्पर्श रेखा है, आई वाई बिंदु है तो वाई बिंदु से ये चीज़ इसके बराबर होगा, तो ये 6 है तो ये भी 6 हो गया, ठीक है, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया और ये 6 हो गया, ठीक है, तो अब देखिए अगर 12 है टोटल है तो 12 में से 4 निकाल देंगे तो 8 इधर वाला हिस्सा हो जाएगा, ये वाला हिस्सा 8 हो जाएगा, तो ये 8 है तो ये और ये चीज़ बराबर होगा तो ये भी 8 हो जाएगा, इतनी सिद्धम, तो 8 6 14 हो जाएगा, तो ये जो है बी सी हो गया 14 सेंटीमीटर, यही काम किया है इसने, तो आई होप ये सभी उदाहरण आप लोग समझ गए होंगे, उदाहरण समझ में आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।